बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अपने घर जा रहे सपा के जिला अध्यक्ष की गाड़ी को बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देहरादून से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान, गांधी पार्क से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी, कई स्कूलों के बच्चे हर घर तिरंगा अभियान में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई स्कूलों के बच्चे इस तिरंगा अभियान में शामिल आज रहने वाले हैं। तिरंगा यात्रा को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है और ऐसे में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा अभियान जो है बीजेपी का वो शुरू हो चुका है। गांधी पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई स्कूलों के बच्चे हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें, हाथों में झंडा लेकर खुद सीएम धामी भी निकले हुए हैं उनके साथ। आपको बता दें स्कूली बच्चे भी निकले हुए हैं तिरंगा यात्रा में। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देहरादून में इस वक्त की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि प्रभात फेरी यहां पर निकाली गई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे हैं और इस प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं, कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी शामिल हुए हैं। एक संदेश देशभक्ति का पूरे देश के अंदर इस वक्त दिया जा रहा है। ये अपील हर उस देशवासी से की जा रही है कि वो भी तिरंगा फहराए अपने घर में, और जिस तरीके से पूरा मिशन उत्तराखंड में लेकर चला जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा घरों तक तिरंगा फहराया जाना चाहिए। हालांकि जो लक्ष्य है वो 20 लाख का ही यहाँ पर तय किया गया है, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो ये बता रही कि उत्तराखंड के हर घर में इसी तरीके से तिरंगा लहराया जाएगा। और तस्वीर में आप देख सकते हैं स्कूली बच्चों का जोश, जिस तरीके से बीजेपी पूरे प्रदेश में अभियान लेकर चल रही है, इसी कड़ी में प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं, तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, सी मीडिया देहरादून। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ में हैं, आज तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है, पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया जा रहा है, जिस तरीके से घर घर अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। सर अभियान यहां पर चला रहे हैं, एक बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं, एक बड़ा संदेश। देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव जहाँ पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड वीरभूमि भी है, जहाँ देश की आज़ादी की आज़ादी का संग्राम हो या देश की सीमाओं की रक्षा हो, उन सब में सभी उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसलिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, वो जोर शोर से मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आने वाले जो 25 साल है अमृतकाल, उस अमृतकाल के लिए हम तैयार हो रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखंड का भी देश के साथ नवनिर्माण में जो है योगदान रहेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा संदेश भी देंगे, ये घर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है हमारे लिए देश की देश के उन वीर बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को याद करने का है, उनको स्मरण करने का है। हमारी नई पीढ़ी का क्योंकि आह्वान है कि नई पीढ़ी आने वाले समय में नए भारत का निर्माण करेंगी, तो उसमें उत्तराखंड राज्य का बड़ा योगदान हो, उसके लिए प्रभात फेरी निकाली जा रही है, ऐसे कार्यक्रम 15 अगस्त तक लगातार चलेंगे। तो चलो भाई, हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसी कड़ी में प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही है। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रभात फेरी पर निकले हैं, एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि लोगों में खासतौर से युवाओं में देशभक्ति की भावना और मजबूत हो। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया देहरादून।